ओके अस्सलाम वालेकुम, आज फिर अपने एक नए वीडियो के साथ में। ये हमारा 2 बजे का बैच है, बहुत ही चंचल, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ सब कुछ लगातार बोला करता है। अब इन सब जो खूबसूरत चेहरे हैं, जो अच्छे से बोल रहे हैं, इन लोगों से बुलवाने का भी वक्त आ गया है। तो ठीक है, आज इस बैच में हम शाहीन से बच्ची मारी है, और ये जो बहुत ही अच्छा संदेश देने वाली है, कंप्यूटर से अटैच, और ये जो एकेडमिक है या मोटिवेशनल वीडियोस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहीन आबाद अंसारी, माय क्वालिफिकेशन इज़ बीए पास। मैं फिरदौस कंप्यूटर में कंप्यूटर सीख रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं यहाँ कंप्यूटर किस लिए सीख रही हूँ, जॉब के लिए ही सीख रही हूँ। माय क्वालिफिकेशन इज़ बीए पास। मैं यहाँ पे फिरदौस कंप्यूटर में कंप्यूटर वर्क कर रही हूँ, आई एम DCA कोर्स। और यहाँ पे माई टीचर इज सर्वस सर, जो कि बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। मैं ये नहीं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कंप्यूटर बहुत अच्छा सिखाते हैं, बल्कि ये मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे एजुकेशन भी बहुत अच्छी दी जाती है। आज मैं आपको लोगों को बताने वाली हूँ कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र होता है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली सभी समस्याओं का समाधान करता है। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि यह मनुष्य भौतिक समस्याओं को समाधान करता है। इसके जनक कंप्यूटर के चार्ल्स बैबेज माने जाते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। जैसे कि इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि कंप्यूटर मस्तिष्क की समस्याओं का समाधान करता है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर हमारी भौतिक समस्याओं का तो समाधान कर सकता है, पर हमारी मस्तिष्क की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। कंप्यूटर को कंप्यूट शब्द से गिना जाता है, जिसका अर्थ होता है गिनना, और कंप्यूटर शब्द का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली ट्रेड यूज इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट, इसका ये फुल फॉर्म होता है। लिहाजा कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म ही नहीं होता, लेकिन इन वर्ड से कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म तैयार किया गया है, जो एक खुद में जाके पूरी कंप्यूटर का फुल फॉर्म तैयार करता है। कंप्यूटर की आजकल जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, इसको 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर बोला जाता है। ये हमारी 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये मेरा कंप्यूटर के बारे में आप लोगों से रहा, और आगे मेरा एक संदेश है आप लोगों के लिए। संदेश मेरा ये है कि एक राजा था, एक राजा दूसरे राजा का दोस्त था। तो एक राजा ने अपने दूसरे राजा को 2 बाज दिए, जो कि बहुत ही अच्छी नस्ल के थे। तो उसने ले जाके एक ट्रेनर को दिया, बाज अपने दोनों जाके ट्रेनर को दे दिए, और कहा कि इनको एक अच्छी कलाबाजी सिखाई जाए, ऐसा इनको बनाया जाए कि ये उड़ सके, अव्वल आ सके। लेकिन क्या था, एक उड़ लेता था और दूसरा बैठा रहता था। फिर 3 महीने बीत गए धीरे धीरे, फिर ट्रेनर को बुलाया गया, राजा ने ट्रेनर को बुलाया तो उससे पूछा कि मेरे बाज कैसे अब सीख गए। तो राजा से जवाब देता है ट्रेनर कि एक तो बहुत अच्छा उड़ लेता है और दूसरा बैठा रहता है। तो राजा ने देश विदेश घूम के दूसरा ट्रेनर लाया, और उस ट्रेनर ने क्या किया, एक डाली पे जाके वो बाज बैठ गया, और दूसरा तो उड़ रहा था, उड़ता उड़ता अपनी मंजिल को पा रहा था, और दूसरा आराम से बैठा आराम कर रहा कि मुझको तो कुछ करना ही नहीं है। ट्रेनर ने क्या किया, उस डाल को ही काट दिया जिस पे वो बाज बैठा हुआ था। फिर उसको उड़ना आया, जब वो डाल कट गई तो वो उड़ा, तब वो जान पाया कि हाँ मेरे पर भी थे और मैं उड़ भी सकता था। तो इसी तरीके से कहा जाता है अपनी कमियों को जो है ना महसूस करके बैठना नहीं चाहिए, बल्कि उनको दूसरों को दिखाना चाहिए कि हम इतनी हिम्मत वाले हैं और हम लाइफ में कुछ कर भी सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, एडमिशन लिए हुए सिर्फ 1 महीना हो रहा है, और कितने अच्छे कॉन्फिडेंटल अंदाज में इसने बात करी है। मुझे नहीं पता था अभी तक इतना अच्छा बोल लेती है। सिर्फ सलाम किया, मुझसे पढ़ा खामोशी से, और सीट पे बैठ गई। लेकिन आज जो हम लोगों ने ये जो प्रथा लॉन्च करी है, इससे इसकी जो काबिलियत है वो हमें दिखाई पड़ गई। हम लोगों ने सबके अंदर काबिलियत छुपी हुई होती है, बस वो छुपाए। अभी जिसने कहा बाज और जो काटना, हम लोग अपनी काबिलियत को, यह मौका मुझे मिल रहा है कि 10 मिनट और 15 मिनट अपनी काबिलियत दिखाएँ। मुझे बहुत